लाखों सालों से पहाड़ हमारे ऊपर मंडरा रहे हैं, हमारी पहुंच से बाहर बादलों में उनके चिलिंग सीक्रेट्स पकड़े हुए हैं। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता है, मनुष्य दुनिया की सबसे बड़ी पहेलियों के जवाबों को अनलॉक करने की दिशा में और अधिक प्रगति करते हैं। फिर भी कुछ सबसे अनसुलझे रहस्य पृथ्वी के पहाड़ों में विशाल चेहरे पर पड़े हैं। तो आज मैं आपको पहाड़ों के 5 अनसुलझे रहस्यों के बारे में बताने वाला हूँ। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5, माउंट नियंगनी, प्लेस ऑफ डिसअपीयरेंस। ये माउंटेन जिम्बाब्वे में है और ये जिम्बाब्वे का सबसे ऊंचा माउंटेन है। कहा जाता है कि ये माउंटेन में जो भी जाता है वो गायब हो जाता है। साल 1981 में वहाँ के एक पूर्व सरकारी अधिकारी के 2 लड़कियाँ उस पहाड़ में गए थे और जो कि वहाँ पर जाने के बाद गायब हो गए। उन्हें हेलीकॉप्टर से भी ढूंढा गया, फिर भी उनकी कोई तलाश नहीं मिली। वहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि ये सब किसी भूत प्रेत का काम है। फिर वहाँ से 5 साल बाद एक 8 साल का लड़का, वो भी वहाँ पर गायब हो गया और वापस नहीं मिला। इसके 2 हफ्ते पहले ही एक टूरिस्ट अपने परिवार के साथ वहाँ पर हाइकिंग के लिए गया था, वो भी गायब हो गया वहाँ पर। तो ही बहुत सारे लोग यहाँ पर गायब हो गए और कभी वापस नहीं मिले। लेकिन ये लोग यहाँ पर कैसे गायब होते हैं वो सब किसी को नहीं पता। बफोथ, नहानी वैली, द वैली ऑफ हेडलेस मैन। ये कहानी शुरू होती है साल 1908 से, जब मैकेल्ड ब्रदर उस वैली में सोना ढूंढने गए थे। पूरे 1 साल तक उन लोग का कोई पता नहीं चला। फिर उन लोग का बॉडी रिवर के पास पड़ा हुआ मिला, लेकिन बॉडी में उन लोग का सर पूरे तरीके से कटा हुआ था। उसके 9 साल बाद एक स्विस प्रोस्पेक्टर मार्टिन जॉर्जनसन उस वैली में गए थे, लेकिन उनकी भी मौत हो गई और उनका भी सर अपने बॉडी से अलग कटा हुआ मिला। फिर साल 1945 में माइनर ओंटारियो अपने ही स्लीपिंग बैग में मरे हुए मिले और उनका भी सर कटा हुआ था। उस वैली में जैसे ही पहले मृत्यु हुई, उसके कुछ ही साल पहले वहाँ के रहने वाले नाहर ट्राइब्स भी गायब हो गए थे वहाँ से। दिल्ली के ज़्यादातर हिस्सों में लोग जाते नहीं। वहाँ पर एक कहानी मशहूर है कि वहाँ पर कोई ऐसे बड़े क्रिएचर्स रहते हैं जो कि इन इंसानों को मारते हैं। तय कि इस वैली में 44 लोग गायब हो चुके हैं। जाता है कि यहाँ के बड़े बड़े भालुओं की वजह से शायद इन लोगों की मृत्यु होती है। समझ ये होंगे कि इस वैली को द वैली ऑफ हेडलेस मैन क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस वैली में जिन लोगों की मृत्यु होती है उन लोगों के सर कटे हुए मिलते हैं। नंबर 3, अंटर्सबर्ग माउंटेन, पोर्टल टू दी अनदर वर्ल्ड। जाता है कि इस माउंटेन में बहुत सारे लोग गायब हो चुके हैं। यह माउंटेन जर्मनी और ऑस्ट्रिया के बॉर्डर में स्थित है। यहाँ पर जाने वाले लोग कहते हैं कि अगर उन लोग पहाड़ के एक हिस्से में सोते हैं तो जब उन लोग उठते हैं उन लोग देखते हैं कि वो पहाड़ के दूसरे हिस्से में हैं। लोग ये भी कहते हैं कि चलते चलते रास्ता कभी कभी ख़त्म ही नहीं होता है और रास्ता और लंबा होता ही जाता है। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि यहाँ पर समय अलग चलता है। लोग कहते हैं कि यहाँ पर शायद एलियंस का कब्ज़ा है, या तो यहाँ पर टाइम वर्ब्स है या तो कोई एक पोर्टल है जो कि हमें दूसरे दुनिया में पहुंचा देता है। अगर लॉजिकल तरीके से देखें तो कहा जाता है कि ये लोग शायद या तो बीमार है या तो डिहाइड्रेट होने के कारण इन लोग को ऐसी अजीबोगरीब घटना दिखती है। एक दिन ऑस्ट्रियन राइटर स्टैन वुल्फ उस पहाड़ पर गए। उन्होंने बताया कि पहाड़ के कुछ कुछ हिस्सों में उनकी घड़ी नॉर्मल से कुछ ज़्यादा ही तेज या तो कुछ ज़्यादा ही स्लो चल रही थी। वुल्फ ये भी कह रहे थे कि उन्होंने उस पहाड़ के गुफा में बहुत सारे लोगों को देखा, जिनका मानना था कि उन लोग वर्ल्ड वॉर 2 के सोल्जर्स हैं और उनके हिसाब से वर्ल्ड वॉर 2 अभी ख़त्म हुआ है। ऐसे ही बहुत सारे लोग वहाँ पर जाते हैं और अजीबोगरीब चीज़ें देखते हैं, लेकिन ये क्यों और कैसे होता है ये आज तक एक रहस्य ही है। नंबर 2, ब्लैक माउंटेन, क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में है।
ये माउंटेन अपने अजीबोगरीब घटनाओं के लिए फेमस है। कहा जाता है कि यहाँ पर लोग गायब हो जाते हैं और कभी कभी रात को यहाँ पर बहुत सारे अननोन क्रिएचर्स भी घूमते हैं। पता है कि वहाँ पर चरवाहा अपने पूरे भेड़ों के साथ गायब हो गया था। और ये भी कहा जाता है कि इस पहाड़ में जब भी कोई प्लेन गुजरता है तभी उस प्लेन का कंपास भी ठीक से काम नहीं करता है। और यहाँ पर जो भी यात्री आते हैं उन लोग को ये पहाड़ खींच लेता है। और इस पहाड़ में जानवर भी जाने से डरते हैं। रिसर्चर्स का मानना है कि एनिमल वहाँ पर शायद उस पहाड़ की स्मेल की वजह से नहीं जाते हैं। और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि शायद एनिमल्स को पता है कि वहाँ पर किसी भूत प्रेत का साया है, इसलिए वो लोग यहाँ पर नहीं जाते हैं। मांसाहारी पर्वत कक्षों के भी किस्से हैं जो भी किसी भी चीज़ को बचते हैं जो गलत गुफा में घूमते हैं। बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों को संदेह है कि पहाड़ में विशाल भूमिगत गुफाएं हैं जिसमें कहा जाता है कि शायद एलियन सभ्यता रहती है और उन लोगों ने इस माउंटेन को बनाया है। ऐसा कहा जाता है क्योंकि ये माउंटेन कहीं ना कहीं थोड़ा आर्टिफिशियल लगता है। इस माउंटेन का असली मिस्ट्री क्या है ये आज तक किसी को नहीं पता। नंबर वन, द बर्विन माउंटेन इंसिडेंट, 23 जनवरी 1974। ठीक रात 8:30 बजे एक बड़ी उड़न दस्तरी के आकार की वस्तु को वेल्स के क्लेवाइट के ऊपर आसमान से गिरने की सूचना मिली। लोगों का कहना था कि उससे पहले शाम को उन्होंने देखा था कि आसमान में एक ग्रीन कलर की लाइट अजीब तरीके से चमक रही थी। ठीक 8:38 को बर्विन पर्वतों में कुछ दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिसके कारण रिक्टर स्केल पर 4.5 का भूकंप आया। भूकंप इतना ज़बरदस्त था कि लिवरपूल और साउथ पोर्ट के इलाके भी इसे महसूस कर रहे थे। पुलिस ने वहाँ पर पहुँचने में बिल्कुल भी देरी नहीं की। उन्हें लगा था कि कोई एरोप्लेन यहाँ पर क्रैश हो गया है। उस रात पुलिस और सुरक्षा अधिकारियों को जो भी मिला वो आज तक एक रहस्य बना हुआ है। सेना के ट्रकों का एक काफिला उस रात चेस्टर से गुजरा और दुर्घटना स्थल के क्षेत्रों में अपना रास्ता बना लिया। एक बार उन्होंने पूरे पहाड़ी क्षेत्रों को जनता के लिए बंद करने में बिल्कुल भी समय नहीं बिताया। यहाँ तक कि पुलिस और स्थानीय सेवाओं को उस क्षेत्र में वापस जाने से प्रतिबंधित कर दिया गया जब तक कि सेना अपने कर्तव्यों के साथ समाप्त नहीं हुई थी। दुर्घटना स्थल के आसपास रहने वाले एक स्थानीय नर्स ने स्थानीय पत्रकारों को बताया कि उसने अल्बर्ट हॉल दुर्घटना के आकार का एक यूएफओ देखा है जो सीधे पहाड़ की तरफ है। उसने ये भी दावा किया कि उसने जहाज से फेंके गए शवों को देखा। जब इसका असर हुआ तो वह तुरंत इस दृश्य पर गई कि क्या वह चिकित्सा सहायता दे सकती है। जब उसने पहली बार शरीर से संपर्क किया तो उसे महसूस हुआ कि वो मानव नहीं है। दुर्भाग्य से यह उसकी कहानी के साथ मिला है। रक्षा मंत्रालय के 2 गंभीर अधिकारियों ने इसमें कदम रखा और उसे चुप रहने का आदेश दिया। नर्स 1 या 2 दिन बाद क्षेत्र से गायब हो गई। वह कभी नहीं लौटी। आर्थर एडम्स एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर थे जिन्होंने कॉनकॉर्ड के लिए कई वर्षों तक काम किया था। 1980 में उन्होंने ये देखने के लिए क्रैश साइट पर जाने का फैसला किया कि उन्हें क्या मिल सकता है। वो भाग्यशाली हो गए। पर्वत चट्टानों में एम्बेडेड हरे रंग की अजीब धातु के 2 टुकड़े थे। उन्होंने ध्यान से उन्हें हटा दिया और आगे की पढ़ाई के लिए अपनी प्रयोगशाला में लौट आए। प्रयोगशाला में वापस उन्होंने पाया कि 1 इंच के क्यूब के आकार ने 2 किलोवाट बिजली बंद कर दिया। अपनी खोज के बारे में उत्साहित होने के कारण उन्होंने डेली एक्सप्रेस न्यूज़पेपर वालों को फ़ोन किया। लेकिन उस रात को असल में UFO गिरा था या दूसरा कुछ प्लेन गिरा था लेकिन यह आज तक किसी को नहीं पता चला। तो यही थे हमारे 5 पहाड़ों के अनसुलझे रहस्य।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर करें एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम।